गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। एक युवक को कान में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और जब डॉक्टर ने कान में चेक किया तब निकला कुछ ऐसी चीज की रह गए डॉक्टर भी दंग। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। मेरे साथ बने रहिए, काफी ज्यादा आपके लिए नॉलेज भरा भी है और डरावना भी है, पर सुनते रहिए पूरा एंड तक। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। आजकल की दुनिया काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है और हर कोई अपने आप में काफी ज्यादा नॉलेज भरना चाहता है। ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है। और कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है तो आप लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाने से अच्छा आप इंटरनेट पे काफी ज्यादा सर्च कर लेते हैं और उस बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद आप लोगों को उसके बीमारी के अकॉर्डिंगली क्या क्या टैबलेट्स कब खानी है आपको सब चीजें पता चल जाती है। ये लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो सब लोग इसमें ही रहते हैं और करना भी चाहते हैं, पर कभी कभार इंटरनेट भी गलत हो सकता है आपकी, क्योंकि वो आपकी नफ्स नहीं देख सकता, पता नहीं कर सकता है कि एक्चुअली आपको कहां पर बीमारी है और क्या बीमारी है। सिर्फ आप अपने माइंड से वहां पर टाइप कर रहे हैं और वहां पर सिर्फ इंटरनेट आपको सिर्फ उतनी ही नॉलेज दे पा रहा जितनी आप लेना चाहते हैं, पर डॉक्टर काफी ज्यादा जरूरी होता है। यहां पर जो चीन से हमारे सामने मामला आ रहा है, कोंगू नाम के एक शख्स के कान पे काफी ज्यादा लगातार दर्द हो रहा था और उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। इंटरनेट पे उसने काफी ज्यादा सर्च किया और दो महीने तक ऐसी रहा और दवाइयां खाता रहा, सब चीजें करता रहा जो इंटरनेट बोल रहा था। तब उस दौरान दो महीने के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और उसका कान काफी ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। तो डॉक्टर के पास जाके वो चीज बोलता है कि उसके कान में लगातार दो महीने से दर्द है। पर उसके बाद जो उसने बताया, डॉक्टर भी हैरान रह गया उसकी बातें सुन के, क्योंकि जो उसने बताया कोंगा ने कि मैं दो महीने पहले इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च कर रहा था कि कान में दर्द है, क्या सब चीजें होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वहां से मुझे पता चला कि लहसुन को अगर कान में रख लिया जाए तो उसके बाद वो सब चीजें ठीक हो जाती है। तो कोंगा ने दो महीने तक लगातार लहसुन कान में रखा था, जो भी टॉर्च मारने पर दिखाई दे रहा था बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा था। और उसी दौरान जब डॉक्टर को ये सब चीजें पता चली तब डॉक्टर ने निकाला बाहर और वो काफी ज्यादा गंदी हालत में था। और उसके बाद कोंगा को ये चीज बोला कि इंटरनेट का सहारा लेना बहुत ही अच्छी बात है, आप नॉलेज लीजिए, पर काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि घातक भी हो सकती है, आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, अगर आप लोगों को जानकारी हमारी तरफ से अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज़।